हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसिपी ऑन। मैं सौम्या सिंह। आज हम आपके लिए चिली पटेटो बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने कुछ इस तरह का आलू लिया था और इसे छिलकर मैंने लंबे आकार में काट लिया, जैसे फ्रेंच फ्राइज के लिए आलू काटा जाता है। और इसे मैंने 2 से 3 बार पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। तो यहाँ मैंने 4 बड़े आलू को काट लिया है कुछ इस तरह और अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसमें हम 1/2 चम्मच नमक डाल रहे हैं और इसे हमें बॉईल करना है, यानी उबालना है। तो लगभग 4 से 5 मिनट इसे अच्छे से उबालेंगे। तो यहाँ जो आलू है ये अच्छे से उबल गया है। अब इसे हम एक जाली वाले बर्तन में निकाल लेते हैं, जिससे पानी अलग हो जाएगा। और इस आलू को हमें एक बार फिर से ठंडे पानी से वॉश करना है। तो यहाँ हम ठंडा पानी डाल रहे हैं। लगभग इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। और यहाँ जो आलू है इसमें पानी निकल चुका है। अब इसमें हम डाल रहे हैं कॉर्नफ्लावर। तो लगभग 3 से 4 बड़े चम्मच इसमें कॉर्नफ्लावर डालेंगे। थोड़ा सा नमक यूज़ कर रहे हैं, तो लगभग 1/2 चम्मच मैंने नमक डाला है। और एक बार फिर से अच्छे से मिला लेते हैं, यानी इस आलू पर जो कॉर्नफ्लावर और नमक की कोटिंग है वो अच्छे से हो जानी चाहिए। तो लगभग 3 से 4 बड़े चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर यूज़ किया है और ये आलू बिल्कुल तैयार हो गया है फ्राई करने के लिए। आलू को फ्राई करने के लिए तेल बहुत ही अच्छा गर्म होना चाहिए। फ्लेम को मीडियम टू हाई रखें और इसे हम हाफ़ फ्राई करेंगे। अभी पूरी तरह से फ्राई नहीं करने वाले हैं। तो लगभग 2 से 3 मिनट में ये हाफ़ फ्राई हो जाएगा। बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। जैसे आप फ्रेंच फ्राइज़ बनाते हैं, आलू को लंबे शेप में काटते हैं, उसे पानी में उबालते हैं, कॉर्नफ्लावर लगा के फ्राई करते हैं, तो शुरू में यही सब करना है। जैसे हम फ्रेंच फ्राइज़ के लिए आलू फ्राई करते हैं, वैसे इसे भी मैंने फ्राई किया है। और यहाँ मैंने इसे हाफ़ फ्राई किया है, यानी आधा फ्राई किया है। इसके बाद इसे हम निकाल लेते हैं और जो बचा हुआ आलू है, जिसे मैंने कॉर्नफ्लावर में कोटिंग की है, इसे भी फ्राई कर लेते हैं। इसके बाद जो मैंने फ्राई किया हुआ, हाफ़ फ्राई किया हुआ ये आलू है, इसे हम दोबारा फ्राई कर रहे हैं। यानी आलू को हमें 2 बार फ्राई करना है। पहले हम आधा फ्राई करेंगे, निकाल लेंगे, और दोबारा हमें फिर से फ्राई करना है। तो ये जो आलू है ये अच्छे से फ्राई हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा क्रंची है, क्रिस्पी है। तो इसी तरह हम सभी आलू को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है, आप चाहें तो इसे इसी तरह खा सकते हैं। तो अब हम बनाएंगे चिली पटेटो, जिसके लिए मैंने 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल लिया है। इसमें हम कटा हुआ लहसुन डाल रहे हैं, बारीक कटा हुआ, लगभग 1 चम्मच डाला है। बहुत ही थोड़ा सा घिसा हुआ अदरक डाला है, 2 से 3 हरी मिर्च डाल देते हैं। और इसके बाद इसे लगभग 10 से 20 सेकेंड के लिए फ्राई कर लेते हैं। अब मैंने इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज को थोड़े बड़े शेप में काट कर डाला है। आप चाहें तो इसे बारीक काट करके भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप इसे बड़ा डालना चाहते हैं या छोटा डालना चाहते हैं। तो लगभग 30 से 40 सेकेंड फ्राई करने के बाद इसमें हम डाल रहे हैं 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस, 4 बड़े चम्मच इसमें टमाटो सॉस डाल देते हैं। अगर आपको टमाटो का फ्लेवर थोड़ा कम पसंद है तो थोड़ा कम भी डाल सकते हैं, पर यहाँ मैंने 4 से 5 बड़े चम्मच टमाटो सॉस डाला है। इन सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम डाल रहे हैं रेड चिली सॉस, आप चाहें तो सेजवान सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। इससे चिली पटेटो में चिली का फ्लेवर आएगा और तीखापन आएगा। अब मैंने 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाला है, 1/4 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है, ये बहुत तीखी लाल मिर्च है। थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, क्योंकि सॉस में और आलू में भी नमक है, तो नमक का यूज़ थोड़ा कम करें। अब मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है और 1/2 कप पानी डाला है, अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और इसके बाद इसे हमें डालना है सॉस में, तो एक बार चला देंगे और जो कॉर्नफ्लावर है, जो इसका घोल है, इसे डाल देते हैं। और इसके बाद एक बार फिर से मिक्स करेंगे और इसे अच्छे से पकाएंगे। अब इसमें हनी डाल रहे हैं, क्योंकि हम आज जो चिली पटेटो बना रहे हैं विथ हनी के साथ बना रहे हैं। तो 2 चम्मच मैंने यहाँ हनी डाला है। अगर आपके पास हनी नहीं है तो आप इसमें 1 चम्मच चीनी डाल सकते हैं, 1 बड़ा चम्मच। तो ये जो सॉस है ये बनकर तैयार है। अब इसमें जो मैंने आलू फ्राई किया है, इसे आप फ्रेंच फ्राइज भी कह सकते हैं, इसे डाल देते हैं। और इसके बाद जो सॉस है, आलू है, सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं, जब तक आलू पे सॉस की अच्छे से कोटिंग ना हो जाए। अब इसमें हम डालेंगे सेसमे सीड, यानी सफ़ेद तिल। आप इसमें स्प्रिंग अनियन डाल सकते हैं, क्योंकि स्प्रिंग अनियन के बिना तो ये अधूरा है, पर इस समय लॉकडाउन है, मिलना मुश्किल है। तो यहाँ जो चिली पटेटो है ये बनकर बिल्कुल तैयार है और बहुत ही ज़्यादा यमी लग रहा है। स्प्रिंग अनियन है तो आप ज़रूर डालें, नहीं तो आप इसी तरह इसे इन्जॉय करें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, और जो लोग नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह नए नए वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं। एक बार फिर से मिलते हैं ऐसी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।